हेलो दोस्तों, सेल्स सॉल्यूशन वाला यूट्यूब चैनल में सबको स्वागत है। आज हम बात करेगा कोइल के बारे में। कोइल का कितना टाइप का कोइल होते हो, कोइल कैसे चेक कर सकते हो, कैसे ये सही कर सकते हो, कौन कौन सा जगह में ये यूज़ करते हो, ये सब ये वीडियो में बोल रहे हो। शुरू से एंड तक आप लोग ज़रूर देखने का, नीचे स्किप करेगा आप लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा देखना चाहिए। चलो आ जाओ वीडियो में। हेलो दोस्तों, इंडक्टर बोलता है कोइल को, इसका यूनिट हम बोलते हो हेनरी में, इसका कैपेसिटी को हम बोलते हो इंडक्टेंस। नॉर्मली मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हो जो इंडक्टेंस 1 हेनरी में बहुत नीचे वाला होते हो, इसलिए मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी, इसका भी नीचे है तो नैनो हेनरी। इस तरफ से कोइल का कैपेसिटी को मेजर किया होता है। इसको हम बोलेगा तो 1 हेनरी। Divided by 1000 is equal to millihenry. Go small MB HP notification किया होता है। दूसरा इसका भी नीचे 1 मिली हेनरी, इसको भी डिवाइड करते हो 1000 में मिलेगा माइक्रो हेनरी। माइक्रो हेनरी का भी नीचे यूनिट है, इसको डिवाइड करते हो 1000 को, फिर मिलेगा नैनो हेनरी। नॉर्मली माइक्रो हेनरी, नैनो हेनरी होते हो मोबाइल में यूज़ करने वाला कोइल। जो ये मिली हेनरी वाला, हेनरी वाला, ऐसा वाला कोइल नहीं मिल रहे हो मोबाइल फ़ोन का बोर्ड में, मदरबोर्ड में। चलो इंडक्टर को हम कैसे चेक करेगा देखेगा। इसको हम मल्टीमीटर को यूज़ कर सकते हो। इसको हम मल्टीमीटर का प्रोब बेसर रेंज में डालो, फिर कोइल का दोनों साइड में रहो, बीप करना ही चाहिए। फिर मल्टीमीटर का प्रोब ओम रेंज में डालो। डिजिटल मल्टीमीटर में होते हो ओम शुरू कर रहे हो 200 से होते हो, इसमें डाल के चेक कर सकते हो। इसमें 200 में डालो, चेक करने के बाद 0.5 ओम से 3 ओम तक वैल्यू देना चाहिए। बहुत कम केस में 0.5 बोला ना, उसका नीचे भी हो सकते हो, ऐसा वाला कोइल का बहुत कम वाला वैल्यू वाला है। चेक करने का टाइम बीप कर रहे हो, ओम मोड में चेक करने के बाद 3 ओम तक आ रहे हो तो कोइल जनरली ठीक है। अगर चेक करने के टाइम बीप भी नहीं दे रहे हो, ओम भी नहीं दे रहे हो तो ये कंपोनेंट खराब होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर बीप नहीं देते हो तो ओपन मोड कहता है। ओम मोड में 0 आ रहे तो शॉर्ट हो सकता है। ये कोइल का टेस्टिंग प्रोसेस। आप लोगों को मालूम है कोइल तो ऐसा ही दिखेगा। वो रेजिस्टर का रेजिस्टर से थोड़ा बड़ा है, इधर दो सिल्वर पट्टी होएगा, ये सेंटर में तो ब्लैक होएगा। रेजिस्टर से भी थोड़ा बड़ा है ये कोइल।
ये कोइल देखेगा तो समझ में मालूम पड़ेगा आप लोगों को, कोइल है, रेजिस्टेंस है ये। फिर ये कोई कोई कोइल में ये सेंटर वाला साइड वाइप भी होते हो, कोई बोर्ड में ऐसा मैं देखा। कोइल भी रेजिस्टेंस में आप लोगों को ये देख के मालूम पड़ना चाहिए, ये दूसरा कोई आइडिया नहीं है, इसे देखेगा तो मालूम पड़ना ही चाहिए। दोस्तों मोबाइल के अंदर बेल टाइप कोइल यूज़ करते हो, अभी देखेगा हम कैसे कोइल रिपेयर कर सकते हो। ये देखो कोइल का सिंबल ऐसा ही है, रेजिस्टेंस का सिंबल ये ऐसा ही वी टाइप का होता था, कोइल का तो ऐसा ही है। इधर कोई भी लोड कोई भी हो सकते हो, कोई भी जो स्पीकर हो, रिंगर हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, ये तो ये कोई भी वोल्टेज 2.8 वोल्टेज लिखेगा, कोई भी वोल्टेज आने वाला ये नेगेटिव होएगा, ये कोई भी लोड होएगा। कोई भी मोबाइल में कोइल लगा हुआ होता है, मोस्टली इसका कनेक्शन सीरीज में होता है। सीरीज में इसमें इसका कोई भी कंपोनेंट सीरीज में कोई भी रजिस्टर हो, जो कोइल हो, कोई भी कंप्लेन डैमेज होएगा तो इसका फ्लो बंद होएगा। मींस ये कनेक्शन, इधर का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। कोई भी कोइल को ऐसा ही खराब होएगा, कोइल सीरीज में है तो खराब होएगा, तो ऐसा एक जंबर डालो, ऐसा ऐसे ही कर सकते हो, नहीं है तो ये कोइल रिप्लेस करेगा तो भी चलेगा। कोइल रिप्लेस करने के लिए देखने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी एक कोइल निकालो, बट इसका सेम साइज का होना चाहिए, निकाल के आप लोगों को इधर बैठा सकते हो। चलो ये भी छोड़ेगा, अभी बोलेगा कोइल दूसरा टाइप के भी होते हैं, वो तो एक तो बूस्ट कोइल होते हो, बूस्ट कोइल दिखने के लिए ऐसे दिखेगा। बूस्ट कोइल चेक करने के लिए बोलेगा, बूस्ट कोइल चेक करने के लिए इसको दोनों साइड में दोनों कनेक्शन होएगा, पहले का जैसे ही है वो। हम लोग 200 ओम में चेक करने का, 200 ओम में डालो, मल्टीमीटर में ओम में डालो, चेक करने के टाइम 1.5 ओम से 2.5 ओम तक वैल्यू दिखने के लिए दिखेगा तो ठीक है। फिर बीप रेंज में रखेगा तो बीप भी होना चाहिए, अगर ये वैल्यू भी नहीं दे रहे हो बीप करने के टाइम, मतलब डायोड मोड में बीप भी नहीं दे रहे हो तो ये कंपोनेंट खराब है। भाई लोग कोइल का बारे में इतना ही है, आप लोगों को मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक बात बोलने के लिए चाहता हूँ। भाई लोग कोई कोई आदमी लोग हमारा सब्सक्राइबर लोग बोल रहे हो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हो, नहीं मिल रहे हो, ये क्या प्रॉब्लम है मैं आपको समझाएगा। कोई भी फेसबुक हो, कोई भी किसी का भी चैनल हो, मेरा है, दूसरा का है, किसी का भी चैनल हो, आप लोग कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को एक थोड़ा एक महीना दो महीना ऐसे ही देखेगा, उसके बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन देने का ये यूट्यूब ऐसा पूरा सोशल मीडिया पूरा बंद करेगा। क्यों? वो लोग वो मैटर में इंटरेस्ट नहीं है, वो सोच के ये लोग नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हो। अभी पहले तो ठीक था, अभी तो किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिल रही, इसलिए आप लोग कोई वीडियो देखेगा नहीं देखेगा तो भी वीडियो का नीचे एक कमेंट डालने का ज़रूरी है, कमेंट डालेगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा, नहीं है तो कम से कम शेयर करना चाहिए। सब लोग शेयर नहीं कर रहे, कोई कोई लोग शेयर करने के लिए चाहता है, शेयर नहीं कर रहेगा तो भी ठीक है, आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट में डालो, यही एक इम्पोर्टेंट बात है। ऐसे ही बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है किसी का। अब आप लोग 10 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल
ऐसे ही सब्सक्राइब करके रहेगा हुआ, फिर भी आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे है, तो एक बार उन लोगों को वर्ल्ड में जाके चेक करो, कोई भी वीडियो का एक कमेंट डाल के आ जाओ, दूसरा दिन से आप लोगों को नोटिफिकेशन आने के लिए चांसेस है। फेसबुक में भी यही बात है, हम लोगों को 2000 से ऊपर फ्रेंड्स होएगा, 25 आदमी का भी फोटो शेयरिंग, वो लोग कोई वीडियो डाल रहे हो उसका उसका कोई स्टेटस कोई भी नहीं मिल रहे हो, उसका कारण यही है नहीं मिलेगा, हम लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो नहीं मिलने का लिए चांस है। आज के लिए इतना ही है, जल्दी एक नया वीडियो लेके मैं दोबारा आएगा, सबके लिए गुड बाय।